आज विंडो पे चर्चा करेंगे। आवश्यक है किसी भी वास्तु में, क्योंकि वर्तमान समय में जो दहलीज है, जिसको चौखट कहते हैं, उसकी प्रथा करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब नई व्यवस्था के तहत दहलीज नहीं रखी जाती, क्योंकि उससे ठोकर भी लगती है। और लेकिन मंदिर में आज भी दहलीज रखी जाती है। आप किसी भी मंदिर में देखे होंगे तो बीच में चौखट होगा, और उसको स्पर्श करके ही आप अंदर में गर्भगृह में प्रवेश करते होंगे। तो कहा जाता है कि जब दहलीज जिस घर में होता है, कम से कम मुख्य द्वार पे तो दहलीज होनी ही चाहिए। और दहलीज होने से जो निगेटिव एनर्जी है, उस दहलीज से बाहर अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए दहलीज की आवश्यकता शास्त्र में बताई गई है। और वर्तमान समय में अगर सभी जगह करना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम मुख्य द्वार पे, जो मेन डोर है, या घर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें दहलीज जरूर बनानी चाहिए। और विंडो के बारे में जो बात है कि हमें जो खिड़कियां हैं उसे भी हम पॉजिटिव ग्रिड में ही रखेंगे। आप सब जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, दैट इज पॉजिटिव ग्रिड गेट। तो हमें विंडो भी पॉजिटिव ग्रिड में ही रखना है, और इसे कभी भी नेगेटिव ग्रिड में नहीं रखनी चाहिए। पॉजिटिव ग्रिड में रखेंगे तो इसका अच्छा फायदा दिखाई पड़ता है। और तो जो ओरिएंटेशन है, जो एनर्जी की ओरिएंटेशन है, वो सही ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए विंडो की आवश्यकता हमारे घरों में है और विंडो हमें रखनी चाहिए। विंडो के बारे में कहा जाता है कि इवन नंबर पे विंडो हमें रखनी चाहिए, और जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हमें रखनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो विंडो है उसे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की वॉल पे हमें बनानी चाहिए। साउथ वेस्ट की तरफ थोड़ा बच के रहना चाहिए, थोड़ा कम से कम रखनी चाहिए। हालांकि एनर्जी के फ्लो के लिए वहां भी हम दे सकते हैं, लेकिन वेस्ट की तरफ दें, साउथ की तरफ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर साउथ वेस्ट का कमरा है तो साउथ वेस्ट के कमरे में जो दरवाजा हम बनाते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ से द्वार लेंगे, डोर लेंगे, तो उसके बगल में साउथ की तरफ हम दरवाजा विंडो ले सकते हैं, वो अच्छा फल देगा। अगर वेस्ट की तरफ से एंट्री पॉइंट है किसी भी मास्टर बेडरूम में, या साउथ वेस्ट के कमरे में, या किसी भी कमरे में, एनी कमरे में, तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट से एंट्री पॉइंट लेते हैं, तो उसके बगल में लेफ्ट साइड में वेस्ट की तरफ आप विंडो ले सकते हैं, ये अच्छा फल देने वाला साबित होता है। इसका एक रेगुलर वे में होना चाहिए, बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। रेगुलर वे में इसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विंडो बना दें, कहीं बहुत छोटा विंडो बनाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दहलीज के बारे में हमने कहा कि दहलीज जो है आवश्यक है, इसको डोर सिल भी कहा जाता है। तो किसी भी जो घर नई अगर बनाई जाए तो कम से कम मुख्य प्रवेश द्वार पे तो दहलीज रखना आवश्यक है, इसे हमें रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश नहीं करती, साथ में कुछ ऐसे सर्पीले जीव जंतु भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए दहलीज की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जब हमारे घर में नई वधु का प्रवेश होता है, उस समय भी दहलीज की पूजा लोग, महिलाएं लोग कराती हैं, और उसके बाद ही अंदर की ओर घर में प्रवेश कराती हैं। तो दहलीज की एक शास्त्र में एक उसकी इम्पोर्टेंस है, शास्त्रों में इसकी बातें बताई गई है। कम से कम सभी जगह तो रखना संभव नहीं है वर्तमान परिवेश में, लेकिन एक जगह पे, कम से कम मुख्य द्वार पे तो हमें इसे रखनी चाहिए। स्टेयर केस का भी जो सीढ़ियां जो होती है, गलत स्थान पे सीढ़ी बना देने से उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। खास करके जो स्टेयर केस की जो बनाने की जगह वास्तु में जो बताई गई है, साउथ से लेकर वेस्ट की तरफ, साउथ से लेकर वेस्ट, साउथ की तरफ बना सकते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ बना सकते हैं, और
ईस्ट की तरफ आप बना सकते हैं। इसे भूल करके भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना बनाई जाए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाएंगे तो उस स्थान की जो ऊर्जा है, उस स्थान की जो वास्तु है वो खराब हो जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट का जो इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मानसिक अशांति, मेंटल टेंशन, इकोनॉमिक क्रंच, ये सारी स्थितियाँ परिस्थिति बन जाती है। लोग कहते हैं कि कितना भी प्रयास करते हैं, कितना भी एफर्ट करते हैं, कितना भी किसी काम में इनपुट लगाते हैं, उसके रिस्पेक्टिवली आउटपुट नहीं मिल पाती है, जिसका एक कारण नॉर्थ ईस्ट का स्टेयर्स भी है। उसी तरह आग्नेय की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप स्टेयर्स बनाते हैं, ये भी नुकसान करता है, खास करके महिलाओं के लिए और बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा फल नहीं देता है। नॉर्थ की तरफ बनाते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। जो योजनाएं आप बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं लोग, और व्यावसायिक डेवलपमेंट के लिए, कॉमर्शियल डेवलपमेंट में वो सही ढंग से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉर्थ में भी नहीं रखना चाहिए। ईस्ट की तरफ रखेंगे तो आपकी जो प्रसिद्धि है, नेम फेम, रिपोर्टेशन है, रिकॉग्निशन है, और वो उसमें बाधित होगा, उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगे, और जो आपकी स्वास्थ्य में भी असर आएगी, स्वास्थ्य भी आपकी खराब रहती है। तो इस तरह ईस्ट की तरफ भी हमें नहीं रखना है किसी भी तरीके से। तो कहाँ पे रखना है, जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही रखते हैं। चिड़ियाँ अगर कर दी जाती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, आप एक बात जान लें, नॉर्थ वेस्ट को बहुत अप करते हैं, ऊंचा करते हैं, तो उस स्थान की जो उस वास्तु में डेवलपमेंट रुक जाता है, जो डेवलपमेंट की जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसमें बाधा आने लगती है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं। इसलिए जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ वेस्ट का स्टेयर्स अच्छा फल नहीं देता है, और खास करके पेट से संबंधित स्टमक प्रॉब्लम या बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती है, पड़ोसियों से संबंध अच्छा नहीं होता है, आप घर के बाहरी स्थानों से आप अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये सारी स्थितियाँ बनती हैं, एग्रेसिवनेस आ जाती है या फिर डलनेस भी आ जाती है, तो बहुत सारे परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में भी हमें नहीं करना है। साउथ से लेकर के वेस्ट की तरफ रखने में साउथ वेस्ट जोन डेट इज बहुत अच्छा जोन है, और जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन ऑन साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन पे हम स्टेयर्स रखते हैं तो वास्तु की जो नियम है, वास्तु की जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो सबसे अप होता है, स्टेयर्स के बाद सबसे अप होता है, वो भी एक व्यवस्था बन जाती है। दूसरी परिस्थितियाँ तैयार होता है कि जो मैग्नेटिक फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की अपर जोन पे जितना अच्छा से वहाँ पे भारी वजन रखेंगे, वो तो वहाँ पे उस स्थान के डेवलपमेंट के लिए उतना ही कारगर होगा, उतना ही मददगार साबित होता है। तो साउथ वेस्ट का जोन सबसे अच्छा जोन माना गया है। उसके बाद दूसरी जोन जो है वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ भी रख सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी जो है आप अपने आवश्यकता के हिसाब से साउथ और वेस्ट की तरफ आप दे सकते हैं। साउथ की तरफ देने से साउथ भी थोड़ा ऊंचा होता है और वेस्ट भी थोड़ा ऊंचा होने की वजह से ये अच्छा फल देने में सामर्थ्यवान होता है। लेकिन इसमें एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि साउथ वेस्ट को हम नीचा नहीं रखेंगे। अगर साउथ में सीढ़ियाँ बना देंगे तो ऐसा नहीं कि साउथ वेस्ट को नीचा कर दें। इसके भी यहाँ पे भी किसी तरह का बिल्डिंग या भवन सीढ़ियों की ऊंचाई के तक हमें ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो सबसे अच्छी जगह होती है वो साउथ वेस्ट का सेक्टर होता है, इसलिए साउथ वेस्ट का सेक्टर देने में किसी तरह के नुकसान नहीं होती है। चिड़ियों में जो एक बात कही जाती है कि इसे इवन नंबर में, विषम संख्या में इसे हमें रखनी चाहिए, और दूसरी बात है कि इसकी जो चढ़ने की जो स्थिति है, जैसे ईस्ट से अगर साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो राइट टर्न लेकर फिर आपको ईस्ट की तरफ आनी है, या फिर डायरेक्ट जो है थ्री स्टेप में जो सीढ़ी बनती है, अगर नॉर्थ की तरफ से आप चढ़ते हैं तो राइट टर्न लेते हुए फिर राइट मुड़ते हैं फिर राइट, अर्थात जो इसके चढ़ने और उतरने की जो व्यवस्था है ये
इसका उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए या पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ होनी चाहिए या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। नीचे के दरवाजे से जो ऊपर की जो द्वार है उसे थोड़ा सा छोटा बनाना है। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नीचे की जो द्वार है सीढ़ी की, उससे वो द्वार जो है थोड़ा छोटा रखें, एकदम वैसे बराबर न रखें। तो इन छोटे छोटे बातों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये राइट टर्न लेने की जो बात है, ये बात कहाँ से आया है कुछ बताएंगे हमें? राइट टर्न लेने की बात क्यों कही जाती है? सर क्लॉकवाइज चलते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होता है? Because the planets move from clockwise direction. क्यों राइट टर्न लेते हैं? सर क्योंकि प्लैनेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बताएं। क्योंकि सर प्लैनेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। पृथ्वी की जो ओरिएंटेशन है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमता है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और जो मैग्नेटिक फ्लो की जो पोजीशन बनती है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ बनती है। इसलिए नॉर्थ का एरिया ऑस्पिशियस होता है, ईस्ट का एरिया ऑस्पिशियस होता है। इसलिए जो प्रकृति से मिलने वाले जो ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले सकें, लाभ हमें मिलती रहे, इसलिए सीढ़ियों की जो राइट टर्न मुड़ने की बात कही जाती है। लेकिन अगर कहीं कहीं लेफ्ट टर्न भी मुड़ती है तो वैसे बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होने की बात नहीं है, बशर्ते वो अपनी जोन में होना चाहिए। जोन में, जोन में क्या मतलब है? कि इसे साउथ वेस्ट की तरफ हो, या अगर साउथ वेस्ट की तरफ सीढ़ियां हैं स्टीयर से, अगर थोड़ा लेफ्ट भी मुड़ जाता है तो उसके लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मेरी सीढ़ी तो लेफ्ट टर्न ले रही है, हमें तो लगता है इसी से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसी बात दिखाई होता नहीं है, उससे होता नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है, लेकिन वो सीढ़ियों के कारण ही बहुत एनेक्सस होते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि हमारी सीढ़ी तो गलत बन चुकी है। उसके लिए बहुत सारे तरीका भी है जो वास्तव में आगे चल के हम बताएंगे कि उसे हम ठीक भी कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए बहुत वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जोन में अगर नहीं है, जैसे साउथ वेस्ट की जोन में नहीं है, साउथ की जोन में नहीं है, या वेस्ट की जोन में नहीं है, तो नुकसान है, उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है रेक्टिफिकेशन कर पाना। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपकी सीढ़ी बन गई है तो रेक्टिफिकेशन है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक सीमाएं होती है, उसको पूरी तरह उसकी ऊर्जा को हम बहाल नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह उस ऊर्जा को हम ला नहीं पाते हैं, तो ये वहाँ पे एक नुकसान देता ही देता है। तो इसलिए हमें जोन पे अगर है और सीढ़ियों की घुमाव अगर गलत डायरेक्शन में भी है तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की जगह होने की आवश्यकता नहीं है। सीढ़ी में जब मान लिया जाए कि आपका सीढ़ी लेफ्ट की ओर जा रहा है, जैसे मान लिया जाए ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा हो, तो सीढ़ियों की एक दूसरे एरिया में हम उसमें एक स्टेयर्स भी लगा सकते हैं, वो भी उससे उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मिनिमाइज करता है। लेकिन कितना करता है इससे सर, समझ में नहीं आया, जरा एक बार फिर से बताइए ये वाली बात। सपोजेड ए आपका इस तरफ से आ रहा हो, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, ये पोर्शन को आप हटा दीजिए, यहाँ से ऐसे आकर के बाएं तरफ जा रही है सीढ़ियाँ, ठीक है, या ऐसे जा करके ये ऐसे जा करके ऐसे आकर इस तरह जा करके सीढ़ियाँ ऐसे जा रही है, बाएं तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, ये राइट टर्न मोड़ रही है, सीढ़ियाँ ऐसे जा करके ऐसे आ रही है, तो इस तरफ एक राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक हम स्टेयर्स एक स्टेप तक ले सकते हैं, इससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होता है, ठीक है। और उससे अच्छा है उपाय है कि इसके अंदर में तीन स्टेप तक ये सिंगल पिरामिड लगाने से भी फायदा मिलता है। सिंगल पिरामिड नहीं है।
सिंगल जो पिरामिड है इसके लगाने से भी फायदा होता है, ये सिंगल पिरामिड थ्री स्टेप तक, तीन तीन जो है प्रत्येक स्टेप पे, एवरी स्टेप पे थ्री लगेगा और तीन स्टेप तक लगता है। तो सर ये मतलब स्टेयर्स पे किस जगह लगाएंगे, क्योंकि स्टेयर पे तो चढ़ना रहता है ना। हाँ, स्टेयर्स में एक स्टेयर्स के बाद दूसरे स्टेयर्स के बीच में जो जगह होती है उसमें लगाएंगे, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। एक स्टेयर अच्छा। दूसरे स्टेयर्स में जो जगह होती है एकदम सटा करके दूसरे वाले से और नीचे, हाँ उसके बेस जो है ऐसे बेस करके ऐसे लगा देंगे ऐसे एक यहाँ। अच्छा, पॉइंटर तो ऊपर ही रहेगा ना? नहीं नहीं सामने रहेगा ना, पॉइंटर स्टेयर्स के सामने रहेगा। नहीं समझ पाए सर। जैसे सपोज ये सीढ़ी है, आप चढ़े जी, इसपे चढ़ते हैं इसपे चढ़ते हैं, तो बीच का जो स्थान यहाँ पर का होता है उस पे लगाना, ठीक है, तो बीच के स्थान पर। अच्छा ठीक ठीक, तो क्या होगा आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें कमी आ जाएगी। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि सीढ़ी जो है घूमती भी हो जाता है, जैसे रॉड डाल देते हैं लोग लपेटते हुए, सरपीले सीढ़ियां बनाते हैं, तो वो नहीं बनानी चाहिए, ऐसे हमें नुकसान होती है। और खास करके जो अगर नॉट पेट की शिकायत बहुत देखने को मिलता है, पेट की शिकायत साउथ ईस्ट में अगर होता है, साउथ ईस्ट में होता है तो वहाँ पे पाइल्स की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, पाइल्स की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में होने पे कॉन्स्टिपेशन की संभावना बढ़ जाती है, इसमें कभी नहीं रखना है, इस बात का हमें थोड़ा ध्यान देना है। वास्तु में कुछ लंबाई और चौड़ाई की भी बात बताई गई जो ऑस्पिशियस है, और खास करके ऑस्पिशियस का मतलब देखा गया है कि 10x10, 10x11, 10x16, इन सब डायमेंशन पे कोई कमरे बनाई जाती है वहाँ पे एनर्जी की फ्लो अच्छी होती है, वहाँ की वास्तु बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो